नहीं नहीं वो लास्ट टाइम बोला था ना, she was expecting six pack वाला करना। हाँ, she was expecting कि वो कर आएंगे tattoo six pack the start। पिछले शो पे जब वो आती थी ना तब मैं सो रहा होता था। कोइंसिडेंस था ये कि वो जब आती थी सेट पे मैं नैप ले रहा होता था। बोल दो जिसकी गलती होती उसको बोल देना चाहिए। मैंने क्या कुछ किया? मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं हूँ यार। I am Karan and I'm Saily and we are doing a segment called तेरी मेरी कहानी on Telly Masala। I was nervous. She was totally prepared. I was nervous for her scene. And after the scene, she said, "ये करन है। नहीं नहीं वो last time बोला था ना। She was expecting six pack वाला करन। She was expecting कि वो करन आएंगे tattoo six pack the start। I was very nervous। इसके साथ करन। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। वो सो कूल, वो बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने ऑब्वियसली उनकी स्क्रिप्ट तो बाय हार्ट थी। मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बट मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दो आई वॉज नर्वस। सीनियर एक्टर आप उनके साथ काम कर रहे हो, मैं नर्वस तो बहुत ज़्यादा थी, बट मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि इनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करूँगी। तो येस आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड अभी भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम एन्जॉइंग, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत स्वीट लगी। मुझे फर्स्ट टाइम संदीप सर ने एक बार रेस्टोरेंट में मिलाया था, कहीं हम लोग डिनर पे थे। एंड नेक्स्ट टाइम जब मुझे बोला कि हम मॉक शूट करेंगे तो मैं आया था। एंड आई थिंक शी इज़ वेरी स्वीट। ये गलत बोल रही हैं, एक्चुअली काफ़ी प्रिपेयर्ड थी। लेकिन क्या होता है कि जब मॉक शूट होती है ना तो हर किसी को तीन चार अलग चीज़ें देखनी होती हैं। कुछ भी आप करते हैं ना उसमें कुछ और ही देखना होता है। आपने कपड़े भी सही पहने होंगे ना, बोलेंगे नहीं दूसरे कपड़ों में भी करते हैं। तो उसमें किसी की कोई नर्वसनेस या गलती नहीं होती। पर इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। एक ऑन स्क्रीन लवर्स या कपल प्ले करना हैज़ टू बी 50-50। इट के नॉट बी कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ या सिर्फ ये कर रही हैं, वो वर्क ही नहीं करता। तो मुझे बहुत ही स्वीट और बहुत ही एंडियरिंग लगी। और तब से लेके आज तक बेस्ट पार्ट है ना, इनका एंथुजियाज़म बदला है ना इनकी एनर्जी बदली है। एंड आई होप ऐसा ही रहे। यार कोई डेट टाइम थोड़ी होती है, बॉन्ड काम करते रहते हो साथ में, वाइब मैच होती रहती है एंड यू कीप डूइंग थिंग्स टुगेदर। यार सीक्रेट तो कोई नहीं है ना हमारे पास। मेरे पास है इनका सीक्रेट पर मैं बताता नहीं हूँ किसी को। सीक्रेट नहीं रहेगा ना फिर। अच्छा सीक्रेट है, कैमरा पे बता दो पूरी दुनिया को। हाँ करते हैं। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, मजा उसी में। हाँ बोलो और बताओ। बहुत सारे सीक्रेट्स पता है मेरे को। बहुत सीक्रेट्स, तीन सीक्रेट है मेरे टोटल लाइफ में। नहीं बट मेरे सीक्रेट्स बहुत पता है ना। दो सीक्रेट तो मुझे बहुत डर लगता है ये कभी कभी खोलना था, सबको बताना दे। तीन इनफैक्ट। ओ वो वाला भी पता है मुझे, चार। वो भी बताया था मैंने, याद है। वो वाला भी पता है, ओ माय गॉड कल्याण वाला। आई थिंक शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज अ वेरी ओपन माइंडेड एक्टर। वो हर किसी का इनपुट इनकॉर्पोरेट करती हैं, और चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, बच्चा हो, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, और वो कोशिश करती हैं कि उस चीज़ को ठीक से डिलीवर कर पाए, विच इज़ अ वंडरफुल क्वालिटी एज एन एक्टर आई फील। एंड शी वेरी अनप्रिटेंशियस एज अ गर्ल ना। आई विल जस्ट टेल यू समथिंग नॉन एक्टिंग, एज अ गर्ल शी वेरी अनप्रिटेंशियस। तो उनसे दोस्ती करना, उनके साथ बैठना बड़ा ही कम्फर्टेबल सिनेरियो है। और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह रखा हुआ है कि हर कोई कम्फर्टेबल फील करता है, विच इज़ वंडरफुल आई थिंक। ऐसे टू क्वालिटीज़ एवरीबडी नोज कि करण में क्या क्या क्वालिटीज़ है। अब मैं अलग से दो क्वालिटीज़ क्या बताऊँ। एक सेकंड, आप सबको पता है, आई वॉन्ट कि ये सेगमेंट के नीचे आप सब करण की क्वालिटीज़ बताओ मुझे। स्मार्ट, ये मैं सीख गई हूँ इनके साथ रह रहे के। अब वन मंथ हो गया ना इनसे सीख रही हूँ, इनसे सीख रही हूँ मैं। ये फ्री तो होते नहीं है सेट पे, और जब फ्री होते हैं तो मैं बहुत टाइम पास करती हूँ इनके साथ। मैं इन्हें बहुत परेशान करती हूँ और मैं सो जाता हूँ। सबको ये बात मालूम है हमारी। सॉरी ये मुझे नहीं पता। हाँ ये तुम्हें नहीं पता, पर हमारी जो प्रोड्यूसर हैं कामना और फजीरा, उन्हें भी पता। और कामना के साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती थी कि पिछले शो पे जब वो आती थी ना तब मैं सो रहा होता था। कोइंसिडेंस था ये कि वो जब आती थी सेट पे मैं नैप ले रहा होता था, सो रहा था, तो बोलती ये हीरो सोता रहता है, शूटिंग कब करता है। तो मैं सेट पे सोने का शौकीन हूँ, मैं जब टाइम मिलता जाके एक घंटा सो जाता। शी डज दिस वंडरफुली स्टूपिड गेम जहाँ उनको दूसरों को ना ऐसे फ्लिक करके गिराने में बड़ा मजा आता है। अब वो फ्री हो या ना हो, उनको बड़ा मजा आ रहा है कि मैं दूसरों को गिराऊं। और रील्स बहुत बनाती हैं। लेट कोई लेट नहीं आता, हम लोग बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, नोबडी कम्स लेट। फूडी डेफिनेटली, मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ।
सेल्फी मैं ही बोलती हूँ सॉरी, जिसकी गलती होगी, नहीं नहीं मैं भी बोल रहा हूँ, जिसकी गलती होती है उसको बोल देना चाहिए। मैंने क्या कुछ किया? मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं हूँ यार। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि हम किसी को सॉरी बोले। Cry baby, I don't think either of us are cry babies. Zoon is cry baby. Literally cry baby. Savage. Karan. Karan, see? Karan. 1 month में हमने बहुत enjoy किया है, हम शायद ज़्यादा नहीं जानते एक दूसरे के बारे में, but I'm sure कि आगे हम बहुत जानेंगे और next segment में हम आपको सारी cover देते रहेंगे। Yes. I'm sure about आते रहिए। Every month हम cover देंगे। और दिल दे के देखो जरा।